नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मंत्रा में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं क्रंची कॉर्न फ्लेक्स का, और इसे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में या फिर जब उनको भूख लगती है तब। लेकिन क्या ये कॉर्न फ्लेक्स आपके लिए हेल्दी भी होते हैं या नहीं, और इसके न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन क्या होती है, क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए होते हैं, किस तरह हमें इन्हें यूज़ करना है, तो वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको इस चैनल के जो अपडेट्स हैं वो रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे अच्छी बात मुझे इन कॉर्नफ्लेक्स की लगती है वो ये है कि इनको तैयार करना काफ़ी आसान होता है और काफ़ी जल्दी ये रेडी हो जाते हैं। जस्ट क्या है कि आपको एक बाउल लेनी होती है, और अगर आपके पास बाउल नहीं हो तो आप ग्लास भी ले सकते हो, और उसमें आपने इन कॉर्नफ्लेक्स को डाल देना होता है। नॉर्मली 20-30 ग्राम में ये कॉर्नफ्लेक्स काफ़ी होते हैं, और उसके बाद अगर आपके घर में फ्रूट्स हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी, बनाना, एप्पल, तो उनको भी आप इसमें डाल सकते हो, और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो उनको भी आप टाइनी पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आपको इसमें दूध ऐड करना होता है। और यहाँ पे मेन क्वेश्चन रहता है कि आपको इसमें ठंडा दूध लेना है या फिर गर्म दूध लेना है, तो ये बेसिकली आपके ऊपर है। अगर आपको ठंडा दूध पसंद है तो ठंडा दूध ऐड कर सकते हो, और गर्म दूध पसंद है तो गर्म दूध इसमें ऐड कर सकते हो। नॉर्मली 200 ml 300 ml दूध काफ़ी होता है। तो ये जैसे ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती है उसके बाद आपको स्पून की मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आप इसको खा सकते हो। मीन्स आपका ये जो कॉर्न फ्लेक्स है वो रेडी हो जाता है। और इसकी जो दूसरी अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, और अगर आपने इसमें फ्रूट्स ऐड करे हुए हैं तो फिर तो जो इसका टेस्ट है वो और भी बेहतर बन जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इनसे क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं। तो जो इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ लिस्ट की गई है। तो पर 100 ग्राम में हमको मिल रही है 380 kcal एनर्जी। फैट्स की बात करूँ तो 1 ग्राम से भी कम फैट्स होते हैं इसमें। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ तो 86 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, और डाइट्री फाइबर की बात करूँ तो 4.4 ग्राम डाइट्री फाइबर भी इससे मिल रहा है। और प्रोटीन की बात करूँ तो पर 100 ग्राम में आपको 8.2 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और कोलेस्ट्रॉल की बात करूँ तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। और दोस्तों यहाँ पे मैं कहूँगा कि इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ खास नहीं लगी, मीन्स आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। और अगर मैं बात करता हूँ इस कैलगरीज के चॉकोस क्रंची बाइट्स की, तो इसमें क्या है कि आपको काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। मीन्स क्या है कि इसमें आपको एडिशनल विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल रहे हैं, और इसके साथ आपको आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, तो ये भी इससे मिल रहा है। और इस चॉकोस क्रंची बाइट्स का अगर आप रिव्यू देखना चाहते हो तो वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, सो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका रिव्यू भी देख सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस कॉर्न फ्लेक्स के बारे में, तो इसके न्यूट्रिएंट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, और इसकी अगर आप न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन बढ़ाना चाहते हो तो फिर क्या है कि आपको इसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड करने होंगे। जो फ्रूट्स होते हैं अगर आप उनको ऐड कर लेते हो इसमें तो फिर इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी बन जाती है। नॉर्मली ये आपके लिए इतने हेल्दी नहीं रहेंगे। और अगर मैं बात करूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कॉर्न ग्रिफ्ट, जो कि है 92%। उसके बाद है शुगर, सॉल्ट, माल्ट एक्सट्रैक्ट, और उसके बाद एक इमल्सीफायर और एक एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड करा गया है। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या ये कॉर्न फ्लेक्स आपके लिए हेल्दी भी होते हैं या नहीं, और क्या इसे आप डेली यूज़ कर सकते हो, मीन्स ब्रेकफास्ट में या किसी भी मील में आप इसको यूज़ कर सकते हो या नहीं। देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप इसको डेली यूज़ मत कीजिए। अगर आपको कहीं भूख लगी हुई है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको डेली भी यूज़ करना चाहते हो तो फिर इसमें आपको फ्रूट्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपको जो एसेंशियल विटामिन वगैरह होते हैं वो आपको मिल पाएं। और इसकी अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मली अवेलेबल होता है फूड स्टोर्स में, या फिर नॉर्मली आपको ये मार्केट से मिल जाएगा। हालांकि मैंने इसे परचेज़ किया था रिलायंस मार्केट से, और अगर आपके नज़दीक में कोई रिलायंस मार्केट है तो वहाँ से आप इसको नॉर्मली परचेज़ कर सकते हो। और इसकी और मैं अच्छी बात बताऊँ तो ये है कि इसका प्राइस बहुत ही कम होता है। इसकी ये जो हमारे पास पैकिंग थी वो थी 500 ग्राम्स की, और यहाँ पे जो इसका MRP प्राइस लिस्टेड है वो है जस्ट 99 rupees। सो काफ़ी सस्ते प्राइस में ये आपको मिल रहा है। सो दोस्तों ये था इस क्रंची कॉर्न फ्लेक्स का रिव्यू। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद ही होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने जो भी व्यूज़ हैं या जो सवाल हैं वो अपने नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। सो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो जल्दी मिलेंगे कॉर्नी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।